हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली वेज रसोई। आज हम आपको बताने वाले कटहल के कोफ्ते की रेसिपी। वैसे तो कटहल की सब्जी तो सभी खाते हैं, सभी बनाते हैं, पर आज हम आपको कटहल के बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कटहल के कोफ्ते बताने वाले हैं। तो आप इस रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ। और तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए। मसालेदार और टेस्टी कटहल के कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम कटहल लिया है, जिसे हमने कुकर में 2 सीटी को उबाल लिया है जो कि पक चुका है। हमने यहाँ पे फ़ौरन के लिए जीरा, हींग और मेथी लिया है। हमने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। हमने यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन, जीरा का पेस्ट लिया है। अगर आप चाहें तो केवल अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। मसालों में हमने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच मिक्स मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा गोलकी पाउडर लिया है। हमने यहाँ पे किचन किंग मसाला लिया है 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार और तेल भी ज़रूरत के हिसाब से। सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पे कटहल को मैश कर लेंगे। इसमें हम बेसन डालेंगे, हमने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन डाला है, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मिक्स मसाला, थोड़ा थोड़ा सारे मसाले डाल देंगे। ये हमने अभी जीरा पाउडर डाला था, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। 250 ग्राम कटहल के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन का यूज़ किया है। इसमें हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे, थोड़ा बड़ा आकार नहीं लेंगे, और इसे गोल गोल कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते रेडी करके कि हमें अपने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने सारे कोफ्ते को तल लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए घी ऊपर आ रहा है, यानी कि हमारे तेल बिल्कुल अच्छा गर्म है। अब हम अपने कोफ्ते को फ्राई करेंगे, साइड साइड से डालें ताकि तेल की चेटी हाथों पर ना पड़े। 2 मिनट तक आपको कोफ्तों को कुछ भी खींचा नहीं करना है, उसे इसी तरह छोड़ दें। जब 2 मिनट तक वो हल्का सा पक जाएगा उसके बाद हम इसे पलटें। ये देखिए फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम तक हमने इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन तक तल लिया है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने अपने सारे कोफ्तों को तल लिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। फिर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी फोरन की सारी चीज़ें डाल देंगे, इसे थोड़ा चटकने देंगे। ये देखिए तो ये चटक गया। अब हम इसमें अपनी चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। आप इस जगह पे अगर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा प्याज डालें। मैंने इसे टमाटर के साथ पीस लिया तो मैं इसे अवॉइड कर दूँगी। अब हम इसे गोल्डन होने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। प्याज को अच्छे से कुक करना है। ये देखिए हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब हम इसमें अपने टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ में अपने सारे मसाले डाल देंगे, चिकन की मसाला वो भी डाल देंगे, नमक पेस्ट के अकॉर्डिंग, मसाले में हमने अपना गरम मसाला भी साथ में पीस लिया था, तो हम इसमें गरम मसाला ही डाल दें। तो देखिए अब हम इसे इसी तरह कुक होने देंगे। जब हमारा मसाला अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। इसे ढक देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे तरीके से कुक होने तक
अच्छे तरीके से कर लिया है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर एक चम्मच बेसन को पानी में घोल के रखा था और इसे हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा कि हमारी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी बनेगी। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो हमने एक कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे इसी तरह बॉईल होने के लिए रखेंगे। हम इसे 5 मिनट तक के लिए उबाल लाने तक अच्छी तरीके से उबलने देंगे। जब तक देखो हमने इसे उबलने दिया है और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से उबल चुका है। हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी रेडी है। ये देखने में काफ़ी टेस्टी लगी। अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और ये कोफ्ते इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसे अलग से भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसे तुरंत सर्व करने वाली हूँ, इसे मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप थोड़ी देर बाद खाने वाले हैं तो आप कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी को डालें, वरना कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और उनके टूटने का डर रहता है। अब हम इसे 2 मिनट तक और उबाल लेंगे। हाई फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए ये ग्रेवी कितनी ज़्यादा थिक है और काफ़ी टेस्टी, बिल्कुल डिलीशियस लग रही है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हम गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमने अपनी कटहल की कोफ्ते को सर्व किया है। ये काफ़ी डिलीशियस लग रही है। हमने इसे धनिया पत्ते से सर्व किया है, ऊपर से इसकी गार्निशिंग की है। ये दिखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ आपको मन करे। ये खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।